Hello friends, I welcome you to my YouTube channel Learn English in a Simple Way. दोस्तों आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो नाउन के बारे में है. हम सीखने जा रहे हैं the most common prefixes and suffixes for nouns. यानी कि prefix कुछ letters का word है जो एक root word के आगे लगता है. Suffixes root word के पीछे लगते हैं. तो हम इन prefixes और suffixes की मदद से भी identify कर सकते हैं कि ये noun है और हम नए nouns जो हैं इन prefixes और suffixes की मदद से create भी कर सकते हैं. First, let's talk about the prefixes. कि prefixes कैसे एक root word के आगे लगते हैं और कैसे उनका meaning change हो जाता है और एक नया noun जो है वो क्रिएट हो जाता है. आमतौर पे नाउन के आगे ही प्रीफिक्स लग के एक नया नाउन जो है वो क्रिएट हो जाता है. लाइक प्रीफिक्स इज एंटी, इट मींस अगेंस्ट, एंड द वर्ड्स क्लाइमैक्स, डोट, एंड थीसिस. हमने एंटी उसके सामने लगाया है, फ्रंट में एंटी क्लाइमैक्स, अगेंस्ट द क्लाइमैक्स, एंटी डॉट, एंटी थीसिस, antisocial, antichrist means against the Christ, against the society, antisocial. Auto means self, autobiography, automobile, automatic, auto rickshaw, jo self kaam karta, right? Bi means two, bi-monthly, two months, bi-weekly, 2 weeks, bilingualism, biculturalism, जहाँ पे दो लैंग्वेज को मिलाया गया, दो कल्चर को मिलाया गया, bimetallism, bilateral, जैसे bilateral दो कंट्रीज के बीच में हो जाता है. Co means joint, co-founder, co-owner, co-descendant, जैसे मैं और मेरा फ्रेंड अगर एक साथ एक कंपनी को ढूंढते हैं तो that means we are co-founder of that company. Let's see more example on prefixes. हमारे पास prefix है counter, dis, x, hyper, in, inter, kilo, mall, mega. Counter against means counter argument, against the argument. Counter example, जो example के against एक और example. Counter proposal, एक proposal के against और proposal. Dis, किसी भी किसी का मतलब जो है वो क्या कर देना, उसके कन्वर्स कर देना. जैसे कंफर्ट डिसकंफर्ट, लाइक डिसलाइक, एक्स फॉर्मर, एक्स चेयरमैन, एक्स प्रेसिडेंट, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स हंटर मींस जो पहले था. हाइपर मींस एक्सट्रीम, जैसे टेंशन, इफ मैं कहता हूं हाइपर टेंशन तो मतलब एक्सट्रीम टेंशन, बहुत ज्यादा. हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर सरफेस. इन अगेन द कन्वर्स ऑफ, उसका मतलब उल्टा हो जाना. अटेंशन इन अटेंशन, कोहेरेंस इन कोहेरेंस, कंपैटिबिलिटी इन कंपैटिबिलिटी. इन का मतलब इनसाइड भी होता है, इन पेशेंट. इंटर मींस बिटवीन, जैसे इंटर स्टेट हम कहते हैं, यानी कि राज्यों के बीचकार. इंटरेक्शन, इंटरचेंज, इंटरफेरेंस. किलो का मतलब थाउजेंड होता है, जैसे किलोबाइट, किलोग्राम, किलोमीटर. मॉल मींस बैड फंक्शन, मॉल फंक्शन बैड फंक्शन. ट्रीटमेंट व्यवहार, मॉल ट्रीटमेंट बुरा व्यवहार. न्यूट्रिशन बहुत ही अच्छा मिल रहा है खाने को, मॉल न्यूट्रिशन अच्छा ना मिलना खाने को. मेगा मिलियन, मेगाबाइट. तो ऐसे वर्ड्स जो हैं हमारे पास, ये सभी क्या हैं, प्रीफिक्सेस हैं. और किसी भी एक जो है नाउन है उसके आगे लगने के बाद जो है वो उसका नया नाउन आ जाता है और प्लस उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है. लेट्स सी मोर प्रीफिक्सेस ऑन दिस, मोर एग्जांपल ऑन प्रीफिक्सेस. हमारे पास प्रीफिक्स है मिस, कंडक्ट मिसकंडक्ट, डीड मिसडीड, मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट, मतलब जो गलत हो, रॉन्ग. कंडक्ट मीन व्यवहार, मिसकंडक्ट गलत व्यवहार, रॉन्ग कंडक्ट. मिनी मीन स्मॉल, पब्लिकेशन मिनी पब्लिकेशन, स्मॉल पब्लिकेशन. थ्योरी मिनी थ्योरी, स्मॉल थ्योरी. मोनो मीन्स वन, सिलेबल मोनो सिलेबल, वन सिलेबल. मोनोग्राफ वन ग्राफ, मोनोगमी
one wife. Neo means new. New colonism, neo impressionism, neolithic. Out means separate, outbuilding. Poly means many, polysyllable, polygamy. बहुत सारी wives होना. Pseudo means false, pseudo code, false code or pseudo expert, false expert. Re means again, reorganization, reaction, reassessment, reexamination. जो दोबारा से हो जाए, जैसे examination, exam होना, परीक्षा होना, reexamination, दोबारा से परीक्षा होना. Semi means half, semicircle means half circle, semi darkness, half darkness, semi government means half government. अर्ध सरकारी भी जिसे आप कहते हैं. Sub means below, जैसे subset, subdivision, submersible, submarine. आप ये सभी, क्योंकि वो below जो मतलब है उसका, उससे कनेक्ट होता है. Super means above or more than, जैसे आप कहते हैं superman, वो man से ज्यादा, man की power से superman की power ज्यादा होती है. Above than a man और more than a man. Superset, superimposition, superpowers, more than powers. Sir means over and above, जैसे sir tax, जो tax है उससे भी ऊपर. Surplus, surcharge, over and above, ये meaning आते हैं. Tally again, next prefix. Tally means distance, जैसे communication, distant communication, मैं कैसे कहूँगा tally communication. Telescope, मैं दूर के जो हमारे stars हैं, हमारे तारा मंडल है, उसको देखता हूँ, तो मैं tally means distance, दूर की चीजें देखना. Telescope, television, telepathy, ये distance या दूर की चीजों को दर्शाता है. That means tally means distance. Tri means three, tricycle, तीन टायरों वाली cycle. Tripartism, tripod, आप तीन टांगों वाला एक pod होता है जिसपे आप कैमरा रखते हैं, लगाते हैं, tripod. Ultra mean beyond, ultrasound, ultrasonic. Under means below or too little, जैसे undergraduate mean graduate से नीचे, under development, development से नीचे, underpayment. Vice means deputy, जैसे vice president, president means deputy president. Vice chairman, vice chancellor, vice principal, vice captain. तो ये examples हैं vice की. तो ये हमारे पास जो है prefixes हैं, और इन prefixes की मदद से हम क्या करते हैं, noun के आगे इनको, जैसे ये लिखा है prefix plus noun is equal to a new word that is also a noun. So ये थी हमारी examples जो थी हमारे noun की prefixes के बारे में थी. Now let's move on, और अब हम suffixes के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से suffixes होते हैं जो हम identify कर सकते हैं कि ये भी क्या है, noun है. जितने prefixes किए हैं इनको practice कीजिए. Let's see the suffixes as well. जी दोस्तों, जो suffixes होते हैं वो verb के end पे लगाकर noun बनाया जा सकता है, noun के end पे लग सकते हैं, adjective के end पे लग सकते हैं, और वो क्या create कर सकते हैं, noun create कर सकते हैं. So let's see examples. जैसे हमारे पास examples हैं, हमारे पास prefixes, sorry suffixes हमारे पास हैं er, ism, ship और age. हम बोलते हैं er, ism, ship और age. और अगर लगता है तो वो किसी person को बताता है कि वो person है, concern, जैसे astronomer, वो person जो astronomy में specialist होते हैं. geographer, जो geography में expert होते हैं. teacher, teaching में expert होते हैं, right? तो इसी तरह अगर work, worker, तो अगर किसी noun के पीछे हम ism लगाते हैं, जैसे Marx, Marxism, Maoism, Thatcherism, Hinduism, right? Buddhism, Jainism, तो वो क्या बन जाता है, एक doctrine बन जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, धर्म से जो related होती है. किसी noun के पीछे अगर ship लगाते हैं तो वो एक और noun है, जैसे friendship. Citizen, citizenship. Leader, leadership. अगर मैं noun के पीछे age लगाता हूँ तो वो एक collection बन जाता है, जैसे baggage,
collection of clothes, plumage, luggage, तो आप ये जितने भी अगर आपको er, ism, sh, ip, age इनकी ending से कोई अगर आपको word नजर आता है तो that means it is a noun और वो definitely दो different words हो गए अगर आप उनको उनको जो है अलग अलग करके देखेंगे जैसे astronomy, astronomer, geography, geographer, marks, marxism, friend, friendship, bag, baggage, luggage, right, plumage, plum, plumage. Let's see more examples. जी पहले हमने prefixes देखे noun के पीछे लगे थे अभी हम देखेंगे prefixes जो adjective को जो है modify कर देते हैं जैसे ity, ness, cy तो कोई भी adjective है उसकी state और quality जो है एक root adjective word है जैसे able, able ity के साथ हो गया ability, similar, similarity, responsible, responsibility, right, curious, curiosity, ness, dark, darkness, prepare, preparedness, conscious, consciousness. अब cy के साथ अगर हम कर रहे हैं urgent, urgency, efficient, efficiency, frequent, frequency. तो ये हम क्या कर रहे हैं adjective में suffixes add करके हम एक नया word बना रहे हैं जो के noun है. So if you see any word ending with ity, ness, ncy, that means हमने उसको adjective से modify करके noun बनाया है. Suffix add करके adjective में एक नया word noun बनाया है. So हमने noun से suffix add करके noun कैसे बनाया है, adjective में suffix add करके noun कैसे बनाया है? अब हम देखेंगे कि verb के साथ अगर हम suffix add करते हैं तो कैसे एक नया word बनेगा जो noun होगा. क्योंकि friends अभी हम कुछ suffixes देखेंगे जैसे t i o n s i o n e r m e e n t a n t e n t तो ये suffixes हम आमतौर पे verb को जो है उसके end पे लगाकर उसका मतलब जो है वो noun में change कर देते हैं. जैसे अगर आप t i o n s i o n लगाएंगे verb के पीछे तो वो action और instance हो जाती है उस verb की. Alter, alteration, demonstrate, demonstration, और sin, expand, expansion, include, inclusion, admit, admission. तो इस तरह से आप noun जो है verb से कर रहे हैं. अब अगर हम er लगाते हैं तो आमतौर पे हम verb के पीछे जैसे advertise, advertiser, drive, driver, तो वो person को denote करने वाले noun बन जाते हैं. Work, worker, make, maker, cook or cooker, something used for verb. अगर हम verb जो है compute, computer, silence, silencer, तो ऐसे हम उसके noun बनाते हैं verb की end में suffix add करके. अब अगर हम किसी verb के पीछे ment लगा देते हैं तो उस verb का action और instance हो जाता है जैसे develop, development, punish, punishment, unemploy, unemployment, agree, agreement. इसी तरह कोई verb हमारे पास है उसके पीछे हम ant या ent पे लगाते हैं. It depend करता कौन कौन सी verb है उसको देखना पड़ता है. Assist, assistant, consult, consultant, student, तो इस तरह से verbs बनता है. Study, student, study, student. Let's see more examples. कुछ और suffixes है हमारे पास जैसे age, al, enc, ance, ery और ry. ऐसी verbs जो के verb का action of a verb or a result of a verb with age जैसे break, breakage, waste, wastage, pack, package. AL के साथ भी action of a verb or result of a verb हो जाता है जैसे deny, denial, propose, proposal, refuse, refusal, dismiss, dismissal. Action of a verb or result of a verb with ENC or ANC ये suffixes है जैसे prefer, preference, depend, dependence, interfere, interference, attend, attendance,
accept acceptance, endure endurance. Isi tarah action of a verb or instance of a verb with ery, bribe, bribery, rob, robbery, measure, misery. Place of a verb ry ke saath hum banate hain, jaise refine, refinery, wo place jahan pe refine hota hai. Bake, bakery, bakery wo place jahan pe baking hota hai, bake kiya jata hai. So is tarah se hum verbs ko bhi suffixes ke saath noun bana sakte hain, adjective ko bhi suffixes ke saath noun bana sakte hain, aur nouns ko bhi kuch suffixes ke saath noun bana sakte hain. So these are the most common prefixes and suffixes for the nouns, and aap unko identify kar sakte hain. So that's all for this lesson. Ye prefixes aur suffixes ko seekhiye, jo examples di hain inko नोटबुक पे प्रैक्टिस कीजिए, और इसके अलावा और एग्जांपल जो है अपनी नोटबुक में जो है इकट्ठा करिए, कलेक्ट कीजिए, और इन प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के बारे में और बेहतर तरीके से सीखिए. दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग.